जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी का दोस्त राजेश आज फिर कुछ ज़रूरी बातें आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, डिफेंस सेक्टर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी में आपको तीन तरह की परीक्षाओं के तौर से गुजरना पड़ता है, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट में बहुत सी अलग अलग टाइप की चिकित्सकीय जांच होती हैं आपको डिफेंस सेक्टर्स में ज्वाइन करने के लिए। मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ की बात करूँ जिसकी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हमारे शरीर का एक ऐसा भाग जो कि बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारे शरीर में, और उस पार्ट को हम लोग सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं देते, और वो है हमारी आँखें। आपको बता दूं दोस्तों कि डिफेंस सेक्टर्स के अंदर आपको आई चेकअप के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और यदि आप उसमें पास नहीं होते हैं, आप डिफेंस सेक्टर्स में आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो मेरी बातों को बड़ा ध्यान सुनिएगा। आने वाले अगले कुछ 3 से 4-5 मिनटों के अंदर मैं आपको आंखों के बारे में कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपके आँख की रोशनी बढ़ेगी। आँख की रोशनी के चलते आपके जो सिर में दर्द है, सिर का दर्द कम होगा। और यदि किसी की आंख की रोशनी किसी कारणवश मोबाइल अधिक ज़्यादा मोबाइल देखने के कारण कम हो गई है, या और किसी कारण से हरी सब्जियां कम खाने के चलते कम हो गई हैं, या किसी और कारणवश कम हो गई हैं, तो उनकी आंख की रोशनी में बढ़ेगी। तो बहुत ध्यान सुनिएगा और इस बात को मैं आगे बढ़ाऊँ। इससे पहले मैं आप सभी को बताऊँगा कि हमारे और भी वीडियोज़ को यदि आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचें, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले ध्यान दें, आँख की एक्सरसाइज हमारे बॉडी पार्ट में कोई भी ध्यान नहीं देता है। दुनिया एक्सरसाइज करती है, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज करती है, आँख की एक्सरसाइज नहीं करती है। यदि आप हर रोज सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 मिनट में आँख को देते हो, तो आपकी आँख की रोशनी कभी भी कम नहीं होती है। तो मैं इसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और फिर कुछ और छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको अपने हर रोज के क्रियाक्रम में उसको अपनाना है, आपकी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो आंख का उससे कोई फायदा नहीं होता है। आंख के लिए एक स्पेशली एक्सरसाइज होती है, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने अंगूठे को बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा सबको, देखिए सामने आपके ये जो फिंगर पॉइंट है, अंगूठे का जो ये पॉइंट है नाखून, इसके ऊपर अपने दोनों आंख को केंद्रित करिएगा। ओके, स्टार्ट। अब इसको बिल्कुल बाएं की तरफ लेके जाइए दोस्तों, सिर नहीं घूमेगा, वापस सामने तरफ लेके आइए, डाउन, दूसरा दाहिना हाथ उठाइए, सेम फोकस दोनों आंख का। अब इसको दाहिनी तरफ जाइए, ध्यान रखिएगा गर्दन नहीं घूमेगी, वापस डाउन। ये तो होगी एक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप 4 बार लेफ्ट, 4 बार राइट तरफ दोहराएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज जो होगी वो आंखों की, वो देखिए अपनी आंखों से आप लेफ्ट राइट यानी कि 10 बार लेफ्ट, 10 बार राइट की तरफ करेंगे। देखें, 1 2 लेफ्ट राइट। ओके, नेक्स्ट आंखों को ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है, 5-10 बार ऊपर, 10 बार नीचे, अप डाउन। इसी क्रिया को हम दोहराएंगे 5 बार ऊपर की तरफ, 5 बार नीचे की तरफ। उसके बाद आंखों से हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, 5 बार स्क्वायर लेफ्ट साइड से, 5 बार स्क्वायर राइट साइड, ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करिए, लेफ्ट से 1 2 3 4 5
अब वापस राइट साइड, एक दो तीन चार पांच। तो दोस्तों यहां तक की एक्सरसाइज के बाद हम एक और एक्सरसाइज बचती है, आंखों को रोटेट, बिल्कुल आंखों को आप बाएं से दाहिनी तरफ रोटेट करिएगा, बिल्कुल फुल सर्कल में। देखिए किस तरह, पांच बार लेफ्ट से, पांच बार राइट से, देखिए एक दो तीन चार पांच, चेंज फ्रॉम राइट, एक दो तीन चार पांच। वेल डन, यहां तक हो गया, यहां तक आप सही जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाय चांस यदि किसी को एक्सरसाइज कोई बात समझ नहीं आती हो, बाद में हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसको दोबारा से पर्सनली अपना फोन नंबर दे दें, हम उसे फोन करके या हमसे कुछ डायरेक्टली फोन करके हमारा पास पूछ सकता है कोई बात। ठीक है, नेक्स्ट, आंखों को आपकी जो पलके हैं इसको फास्ट 30 सेकंड तक पलकों को फास्ट झपकाना है। ठीक है, रेडी स्टार्ट, एक स्टॉप, नेक्स्ट, आंखों को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, स्टार्ट, पांच बार कस के बंद करेंगे, पांच बार खोलेंगे, एक खोलिए, दो खोलिए, तीन खोलिए, चार खोलिए, पांच खोलिए, छह स्टॉप। इसके बाद आपने अपनी आंखों को कस के बंद कर लेना है, ध्यान दीजिएगा, अब आंखों को कस के बंद कर लेना है 30 सेकंड्स तक, एक दो तीन चार पांच छह, आपने 30 सेकंड्स तक आंखों को बंद करना है। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, देखिए आंखों को खोलना नहीं है, हथेलियों को आपस में रगड़ना है, 10 सेकंड तक हथेलियों को रगड़िए और हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए, यूं। अब धीरे धीरे हाथ के अंदर ही आंखों को खोलिए, धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हाथों को हटाइए, देखिए आपकी आंखें कितना तरोताजा महसूस करेंगी। आप जब भी मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हर आधे घंटे के बाद अपनी आंखों को आपने रेस्ट देना है, थोड़ा बुक से, कंप्यूटर से, मोबाइल से ध्यान साइड करना है, और कुछ एक्सरसाइज नहीं, वो जो पलक छपकाने के समय बताई थी कंटिन्यू, ये वाली आपने 15 से 20 सेकंड उस एक्सरसाइज को करना है, उसके बाद फिर आपने अपनी पढ़ाई, अपने काम जो है वो रिज्यूम कर देना है। दोस्तों हमारी आंखें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और जाने अनजाने हम लोग इसका ख्याल नहीं रख पाते, तो बहुत ज़रूरी है आप डिफेंस सेक्टर्स में जाएं या ना जाएं, आप कुछ और करें। डिफेंस सेक्टर्स में तो मेडिकल चेकअप के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन अदर्स आंखें तो भाई सबके लिए ज़रूरी हैं, तो अपनी आंखों का ख्याल रखें और खुश रहें। इसके अलावा कुछ मैंने बताया था आपको कि कुछ और चीज़ें बताऊंगा आंखों को फिट करने के लिए, आप दिन में 4 से 5 बार आंखों को ठंडे पानी से धोएं। ठंडे पानी धोने का एक तरीका है, ये नहीं कि सीधे पानी लिया आंख पर खटखट मार लिया, नहीं, ठंडे पानी से भी आंखों को धोने के लिए एक सिस्टम है। आप मुंह में पानी भरिए, कुल्ला पानी का कुल्ला मुंह में भर लीजिए, उसके बाद अलग से पानी, ठंडा पानी लीजिए, मुंह में पानी भरना चाहिए, ऑलवेज मुंह में पानी भरना चाहिए, आंखों को खोल कर रखिए और हल्का हल्का छींटा, पानी का हल्का, ये नहीं जोर जोर छींटा मार रहे हैं, मुंह में पानी भरा हुआ है, पानी का हल्का हल्का छींटा धीरे धीरे मारिए लगातार, ध्यान रखिए कंटिन्यू आपने 40 बार छींटा मारना है, आपने वन टाइम यानी दिन में 4 से 5 बार करना है, एक बार में लगातार 40 बार छींटा मारना है आंख में। इसे क्या करें, आंखों को ठंडक मिलेगी, आंख रिलैक्स होंगी। ठीक है, एक और टोटका अपनाना है अपने, हमारे पुराने लोग बता के गए हैं, आज के विज्ञान इसको नहीं मानती है, लेकिन आप लोग चाहें तो इसको आजमा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने रात को खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करना है, रात में खाना खाने के बाद ब्रश करिए, ब्रश करके सोइए, उससे क्या होगा, जो भी आप खाना खाते हैं उसका मसाला वगैरह ये सब साफ हो जाएगा। जब आप सवेरे उठते हैं तो जो लार होता है आपका, बासी लार, आपके मुंह के अंदर जो लार, वो एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, उस लार को अपने हाथ से, जीभ से, उंगली में लेना है, ठीक है, और जैसे काजल लगाते हैं, बिल्कुल काजल की तरह
दोनों आंखों में लगा लेना है और उसको कम से कम 1.5 घंटे तक नहीं धोना है, 1.5 घंटे बाद उसको धोइए। आप देखिएगा 3 महीने बाद जिसका चश्मा भी लगा है वो भी धीरे धीरे उसकी रोशनी ठीक होने लगेगी और लगातार अगर आप इसको यूज करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने से 8 महीने के अंदर आपका चश्मा भी उतर जाए अगर आप उसको लगातार यूज करते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लाके। आपसे यही निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी किसी प्रकार का सवाल, किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में है तो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दें। इतना ही, आप सबों का राजेश आपसे विदा लेता है। जय हिंद।